दोस्तों कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट से ज़्यादा क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स आरएसी टिकट वालों की होती है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरएसी टिकट के बारे में फुल जानकारी। दोस्तों जब कोई लोग टिकट बुक करते हैं या जब किसी का टिकट आरएसी में मिलता है तो कंफर्म और वेटिंग से ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आरएसी वालों की होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरएसी के बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि आरएसी टिकट कब मिलता है, दूसरा आरएसी कंफर्म है या नहीं, थर्ड आरएसी से सफ़र कर सकते हैं या नहीं, फोर्थ आरएसी में सीट एवं बोगी नंबर कब मिलता है, फाइव नंबर आरएसी टिकट कब कंफर्म होता है एंड सिक्स नंबर आरएसी टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसी टिकट कब मिलता है। जब उस ट्रेन में सारी कंफर्म टिकट बुक हो जाती है तो आरएसी टिकट मिलता है। सपोज उस ट्रेन में 200 सीटें खाली हैं, जब 200 सीटें सभी बुक हो जाएंगी तो आपका तो आप जब बुक करिएगा तो आरएसी वन से आपका शो होगा, और अब आप बुक करने के बाद आरएसी वन ही उस टिकट पे लिखा आएगा। तो अगर आप बुक करते हैं तो आपको आरएसी वन लिखा आएगा और आरएसी वन आपका टिकट है। सेकेंड हम बात करते हैं आरएसी कन्फर्म है या नहीं। तो दोस्तों आरएसी टिकट आपका बिल्कुल कंफर्म है, बस इस आरएसी से आपका सीट कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, मतलब हाफ सीट दिया जाएगा। मतलब आरएसी टिकट पे एक टिकट पे आप लोग दो लोग सफ़र करिएगा, दोनों को सीट जो है शेयरिंग करके सफ़र करना होगा। लास्ट तक आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थर्ड हम बात करते हैं आरएसी से सफ़र कर सकते हैं या नहीं। जब आपका आरएसी टिकट है तो इसका मतलब कन्फर्म टिकट है और इससे आप सफ़र बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ की ओर। आरएसी में सीट एवं बोगी नंबर कब मिलता है। आरएसी में सीट एवं बोगी नंबर तब तक नहीं मिलता है जब तक या तो आरएसी टिकट कन्फर्म नहीं हो जाती है। तो जब भी आपको टिकट मिलता होगा तो 10 डिजिट का पीएनआर नंबर मिलता होगा, और अगर आपका आरएसी में टिकट है तो वहाँ पे आरएसी आपका जो भी है 50 या फिर 100 लिख कर आएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा आरएसी कम हुआ या नहीं, या फिर आरएसी में सीट नंबर मिला या फिर नहीं, या फिर अगर आरएसी में अगर आपको टिकट आरएसी ही में ही है और मान के चलिए आज ही ट्रेन है और आपका आज ही आरएसी में है, तब आपका जो है उस ट्रेन का चार्ट बनने तक आपको वेट करना पड़ेगा। चार्ट बनने के बाद आपको सीट एवं बोगी नंबर सारा मिल जाएगा और मैसेज से भी मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हम लोग पाँचवा बात करते हैं आरएसी टिकट कब कन्फर्म होता है। आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जब कोई अपना कन्फर्म टिकट को कैंसिल करेगा तब आपका आरएसी कन्फर्म होता है। यानी अगर आरएसी वन है आपका, तो अगर कोई कन्फर्म टिकट को कैंसिल करता है तो पहले आरएसी वन वालों को कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरह से आरएसी टिकट कन्फर्म की जाती है। अगर कोई एक और कैंसिल करे तो आरएसी वन के बाद जो आरएसी टू का नंबर है उसका भी कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरीके से और जो जिसका वेटिंग नंबर वन होगा उसका आरएसी लास्ट वाला नंबर चला जाएगा। मतलब पूरा उस ट्रेन में जो है आरएसी 126 वो है, तो समझिए कि अगर कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल करेगा तो पहले आरएसी वन वालों को खसक के कहाँ जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा, और आरएसी और जिसका आरएसी 126 था उसका 125 हो जाएगा, और जिसका वेटिंग नंबर वन था उसका आरएसी 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों जो है अपना सीढ़ियों के क्रम में चलता रहता है। अब हम सबसे लास्ट एवं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म होता है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जितना ही अगर आपका कन्फर्म टिकट जो है आपको कैंसिल होगा उतना ही आपका आरएसी टिकट कंफर्म होगा। तो नॉर्मली अगर कोई सीज़न नहीं होता है तो आरएसी जो है 100 नंबर से भी ज़्यादा अगर रहता है तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई सीज़न या पर्व त्यौहार चल रहा होता है तो आरएसी 50 नंबर के अंदर जो है कंफर्म होता है। वैसे 50 नंबर के बाद कंफर्म नहीं होता है। वैसे एक और रामबाण इलाज नहीं है कि हाँ भाई आरएसी आपका जो है इतना नंबर तक पक्का कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर आपका आरएसी भी कंफर्म नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप सीट शेयरिंग करके आधा सीट भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना आरएसी का पूरा मतलब, आरएसी से रिलेटेड सारे प्रश्न और सवाल के जवाब। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल का एनालिटिक बताता है 75% वो लोग हैं जो मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।